दोस्तों, अपने देश में एक अब नई प्रथा चल रही है कि धर्म को अब विज्ञान से जोड़ कर देखा जा रहा है। अब सारे लोग धर्म को विज्ञान में जबरदस्ती जोड़ रहे हैं, जबरदस्ती घुसा रहे हैं। यहाँ तक आत्मा को अब ऊर्जा का रूप कहा जाने लगा है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है, और ना ही आत्मा को जन्माया जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। तरह जिस प्रकार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, तो इसी आधार पे ये आत्मा को ऊर्जा का रूप मान ले रहे हैं। लेकिन क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि हम किसी कार्य को करते हैं, तो कार्य करने में जितनी हमारी जो ऊर्जा समाप्त हुई, क्या हम इस बात को मान लें कि हमारी आत्मा समाप्त हुई? क्या हमारी ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या मान लें इस बात को कि हमारी आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है काम करते वक्त? तो उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। तो यहीं पे समाप्त हो गया ना ये फालतूगिरी कि आत्मा ऊर्जा का रूप है, हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात कि जो हमारा जो शरीर है, अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिकाएं खाना भी खाती है, उत्सर्जन भी करती है, प्रजनन भी करती है। अतः कोशिकाओं के शरीर में भी आत्मा होगी, अगर आत्मा का अस्तित्व है तब। और हमारे शरीर में रोज लगभग अरबों कोशिकाएं मर जाती है, और रोज लगभग अरबों कोशिकाएं जन्म लेती है। इसका मतलब क्या है कि रोज हमारे शरीर में कोशिकाओं के जन्म लेने के कारण रोज अरबों आत्माएं हमारे शरीर में आ जाती है, और कोशिकाओं के रोज अरबों कोशिकाओं के मरने के कारण हमारे शरीर से रोज अरबों आत्माएं निकल जाती है। इसका क्या मतलब है कि हमारे शरीर में अरबों खरबों आत्माएं हैं। अगर आत्मा है हर एक जीवित प्राणी में अगर आत्मा है, तो हमारे शरीर से अरबों खरबों आत्माएं निकलती हैं। लेकिन यह बात तब गलत हो जाती है जब हम गीता का अध्याय 13 और श्लोक 33 को पढ़ते हैं। देखिए, गीता का अध्याय 13 और श्लोक 33 कहता है, जिस प्रकार एक ही सूरज पूरे संसार को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार एक ही आत्मा पूरे शरीर में निवास करती है। इसका क्या मतलब है कि हमारे शरीर में एक ही आत्मा है, लेकिन यहाँ तो हमने सिद्ध कर दिया कि नहीं, हमारे शरीर में अरबों खरबों आत्माएं हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गीता की बात भी गलत साबित हो गई। इसीलिए हमें कभी भी विज्ञान से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। विज्ञान और धर्म दोनों अलग चीज़ हैं। विज्ञान का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, धर्म का आस्था से रिश्ता है, विज्ञान से कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए कभी भी धर्म को विज्ञान से जोड़ कर ना देखा जाए, नहीं तो ये धर्म पर उंगली उठाने जैसा होगा। लोगों को लगेगा कि नहीं, कोई हमारे धर्म के ऊपर बोल रहा है, जबकि वो विज्ञान के ऊपर बोलेगा। अतः कभी भी धर्म को विज्ञान से ना जोड़ा जाए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है, अर्थात घंटी का जो बटन है, उसे दबाइए।